हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपूर शर्मा, मेहमानों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। बिल्कुल, ये सब वो हैं जिनकी फिल्म आ रही है और ये वो हैं जिनको अकल भी नहीं आ रही। एक मिनट, ये तुम लोगों ने जो डांस करके एंट्री ली, जिस भी देवी देवता को मानते हो उसको हाजिर नाजिर जान के बोलना, तुम लोग इनसे अच्छा नाचते हो। तू नाच रहा था ना, तेरा पेट यूं देख रहा था बाहर, ये और दो दो बेल्ट लगा के आई, देखो ये। अंग्रेजों का सिगार लग रही तू। क्या क्या बन के घूम रहे हो तुम लोग? क्या बन के घूम रहे हो? What do you mean by क्या बन के घूम रहे हो? Hi everyone. Hi. My service Chandu as Varun Dhawan. अरे वाओ, अच्छा ये वरुण बन गया है। वाओ, ये क्या सनी देओल? सनी तमा तमा लोगे। मोटा मोटा ऐसे ही है सर। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मतलब किस हिसाब से सोचा तूने? तू कहां से वरुण धवन लगता है? दिमाग है, एक जगह बाद में बताऊंगा। और ये क्या बनी हुई है? Hi, I'm Bhuri. Myself as Nora. Hi, गर्मी। तुम नोरा फतेही हो? अच्छा, मैंने कहा आप शटर बंद करके आ जाना। किस हिसाब से, मतलब नोरा ने यही गाने पे डांस किया ना, हाय गर्मी, तो लग रहा था क्या क्या डांस किया तूने, किया लग रहा तेरे को खुजली हो रही कि रबिश, जस्ट डिस्गस्टिंग। दैट्स वेरी मीन, यू डिस्गस्टिंग। आई जस्ट वांट टू से आई हेट यू बोथ। व्हाट काइंड ऑफ डांस यू जस्ट परफॉर्म? निकलो यहां से, ऐसे कैसे निकलो? ओए चंदू ने बगावत कर दी। कैसी बातें करे कपूर शर्मा? श्रद्धा, यू नो पंडित मुझे कहते थे कि तुम्हारी कुंडली में ना कपूर योग है। मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है। तो एक तो तूने ट्रांसपेरेंट बनियान पहन के आया तू। चंदू, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा यार। थैंक यू। जा यार। चलो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा। व्हाट अबाउट माय फ्रेंड्स? यू फ्रेंड्स राघव, पुनीत, धर्मेश, हम सारे स्ट्रगल के दिनों में एक ही फ्लैट में रहते थे। पर तू तो सेटल होने के बाद में भी फ्लैट में भी नहीं रहा तू। स्ट्रगल के दिनों में तेरे पास फ्लैट कहां से आ गया? अरे लेकिन इसका पता नहीं कपू, मैं सच बता रही हूँ। अब धर्मेश इतने बड़े स्टार खुद बन गए, लेकिन इन्हें तो मैंने जमीन से उठाया है। अरे हाँ, कहती 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 उठो साहब, मैंने नीचे पोछा भी लगा रखा है। अच्छा वैसे इसका सही है, तीन चार लाइनों की बेइज्जती है, एक ही लाइन में करवा लेती है। कितनी बार बोला है मत बोला कर। रेमो सर, yes. आपको पता है डांस का तो हमारे अंदर ऐसा कीड़ा है, हमारा अपना एक ग्रुप है। हाँ, ग्रुप का नाम है काले कच्चे वाला गिरोह। अच्छा, इनको इसलिए पता है क्योंकि उसके लीडर यही है। हमारे कच्चे यही काले करके देते हैं, जाओ पहनो। पर चलो बात खुली गई में बता दो, इसके पास तो वो भी नहीं था, मैंने तो बॉडी पेंट किया हुआ था। और मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, तो फालतू बातें नहीं करनी, दोनों एक दूसरे का मुंह देखो और अपना मूड खराब करो और निकलो। चलो। मैं ना अच्छा खासा ठीक ही आ रही थी, तुम्हारी वजह से 10 बातें सुननी पड़ती है मुझे कप्पू से। ओ, अकेली तुम इधर बहन हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? सर मेरे साथ पहले तुम इधर। अच्छा, अपनी शक्ल देखी तुमने? वहां देखो वरुण धवन, यहाँ देखो ही मत। और उधर देखो नोरा, इधर देखो इसको देखकर कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो दिख ही रहा है सबको। और ज्यादा उछलो नहीं, दिखने में स्वीट, इनोसेंट और स्वामी टाइप का हूं, लेकिन अंदर से बहुत बड़े तूफानी टाइप का हूं। पहले ना मैं तेरे को तोड़ूंगी, फिर फोड़ूंगी। अच्छा। फिर तोड़ फोड़ के जोड़ूंगी और फिर तोड़ूंगी। ये कोई बात समझ में आए? मैं सोनी को फोन लगाता हूँ। सोनी चैनल को, पहले तो वो तुम्हें तोड़ेंगे फोड़ेंगे, फिर तुझे कलकत्ता और तुझे अमृतसर छोड़ेंगे। चलो दोनों, बहुत हो गया।
I will see you all in the next promotion. चलो तुम पुलिस स्टेशन। मेरी बात सुनो। चुप रहो। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। नहीं। अरे मैं सोचता हूँ अर्चना जी जितने ये लोग टैलेंटेड हैं ये सब दोस्त हैं अगर ऐसे भी एक आध दोस्त की शादी हो कितना मजा आता होगा इनको सबके सब इतने टैलेंटेड अगर मान लो श्रद्धा या नोरा की शादी हो आप सब इनकी सहेलियां हैं और लेडीज संगीत है और दुपट्टे हैं हमारे पास है हमारे पास दुपट्टे तो होते हैं हमारे पास लेके आओ जरा एक लेडीज संगीत आइटम आपके सामने पेश किया है स्ट्रीट डांसर ऑर्केस्ट्रा पहाड़गंज के पीछे गर्म हवा दी उड़ी गुबारी फैमिली दे हाथ नियारी जुगनी दुगनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी बात बात कर दी है हाथ बात मार दी है बैठे का बिना बैक सीट अगर ऐसा डांस शादी में होना तो शादी टूट ही जाएगी और सुशांत के तो चेहरे पे इतनी चमक थी जैसे 10 मिनट बाद ही स्वागत है ये किसको चाहिए ये अंकल आप क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो सच बोलो बोली लगी 500 से शुरू करेंगे ये बहुत स्वीट है इसने पिंक बड़े ओके ही लव्स पिंक यू लव पिंक ओके चलो अर्चना जी आप मुझे बोलते हो ना कि शो में हीरोइन आती है तो मैं फ्लर्ट करता हूँ ये बंदे को ध्यान से देखो जो कंबल लेके बैठा हुआ ना क्यों इसको बुखार ही इसलिए चढ़ा बहुत गर्म है अंदर से ये शो में एंकरिंग कर करके शो में 8-10 लड़कियों से शादी कर चुका राघव रियली आपको राघव इतनी मतलब तलब लगी है शादी की तो करी क्यों नहीं लेते नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धर्मेश भाई और जिनकी उम्र होगी उनको करवाऊं इन लोगों को पुनीत भाई की मैं तो अभी धर्मेश हमने सुना आपको नोरा बहुत अच्छी लगती है कब मतलब नहीं लगती नहीं अच्छी लगती है वो मतलब वैसे वाले नहीं वैसे वाला क्या होता है मतलब आपको अभी प्रपोज करेगी तो आप मना कर देंगे मतलब दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए हाँ बोल देंगे बट मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं आपको अरे होगा क्यों नहीं होगा ऐसा हजम ही नहीं हो सकता ना दोनों साथ में देखो नो एक्चुअली हो सकता है क्योंकि धर्मेश का स्वाग बहुत बढ़िया उसका स्वैग बहुत अच्छा है मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है अरे नोरा सुपर लाइक अच्छा पुनीत के बारे में मैं बताना चाहूंगा पुनीत ABCD आप सबने देखी बड़ी कमाल की फिल्म थी उसमें शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं इनका करेक्टर ऐसा था ABCD 2 जब आई उसमें इनको सुनाई नहीं देता बोल भी नहीं पाते अभी स्ट्रीट डांसर में इनका पैर टूटा हुआ है तो ये आपने रेमो सर को गुरुदक्षिणा में कम दे दी थी जो आपको ऐसे रोल देते हैं मैंने सर को पूछा था कि इस वाले वर्जन में सर कुछ टूटा फूटा तो नहीं रहेगा ना फिर सर ऐसे स्माइल करके लुक देते ऑफ कोर्स टूटा फूटा रहेगा ऑन अ सीरियस नोट मैं एक्चुअली सर को थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि
अगर वो रोल नहीं होते तो शायद चंदू इतना फेमस नहीं होता, शायद मेरा वो सिग्नेचर स्टेप नहीं होता और शायद मैं आज यहाँ पे बैठा नहीं होता. तो थैंक यू सर. सलमान के बारे में हमने सुना है कि जब इन्होंने लाइफ में पहली बार परफॉर्मेंस दिया था, डांस परफॉर्मेंस, बहुत छोटी उम्र होगी शायद, थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में, आपकी कहते पहली परफॉर्मेंस में डेब्यू में धोती खुल गई थी आपकी. क्या? ऑफ कोर्स, ये कैसे पता आपको? अरे आपने किसी इंटरव्यू में बोला था, तो हमारी टीम है वेरी ह्यूज टीम ऑफ वन पर्सन. तो ये मेरे सर, ये ट्रू इंसिडेंट है. उस टाइम पे हमारे चीफ गेस्ट थे मनमोहन जी, तो वो आए थे ये मनमोहन सिंह जी. जी, मनमोहन सिंह जी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर. यस. अच्छा, वाओ. एट दैट टाइम आई थिंक वाज द डिफेंस मिनिस्टर दैट टाइम, फाइनेंस मिनिस्टर. ही हैड कम देयर एंड आई रिमेंबर, ये थर्ड स्टैंडर्ड की बात है, और मुझे सेंटर दिया गया था पोजीशन, और 15 लोग थे जो डांस कर रहे थे, और परफॉर्मेंस ब्रिलियंट गई थी सर, बहुत बेहतरीन. मैं कार्टव्हील कर रहा था, चक्री कर रहा था सब, और ये कर्टन क्लोज हो रहा था और सब खड़े रह के स्टैंडिंग ओवेशन क्लैप कर रहे थे. कर्टन इतने क्लोज आया ही, लड़की ने मेरे धोती पे पैर रख दिया सर, मैं चक्री कर रहा था तो हाथ भी नहीं छोड़ सकता था सर. तो धोती निकली और कच्चा पहना था. आई माय थर्ड ग्रेड. ठीक है यार, ठीक है. और मेरे पास वीडियो पे आज तक वो है कि मैं संभाल रहा हूँ और गोल घूम ही रहा हूँ. नहीं सोचो, फाइनेंस मिनिस्टर सामने और सारा खजाना दिख गया. अरे सुशांत थोड़ा शायद लग रहा है. अरे बिल्कुल नहीं, या मुझे नाम की वजह लग रहा, आगे पुजारी लग रहा ना. नहीं 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 नहीं, आप श्रद्धा और नोरा आपके साथ काम कर रही हैं, आपके नाम के आगे पुजारी लगता है. घंटी बजती थी आपकी भैया, इतनी प्यारी खूबसूरत लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं. नहीं सर, मेरा शादी हो गया ना, तो थोड़ा घंटी बजना बंद हो गया. खबरदार हेलो किया था. जहाँ मेहमान आते नहीं हेलो की बिंदा सर. क्यों तुम नहीं करते? जहाँ हिरण को देखी फ्लर्ट नहीं करना शुरू कर देते? तो हिरण को करता हूँ, तुमको करता हूँ. छोटे मुंह वाली लड़की. हेलो बिंदा सर, हाउ आर यू? हेलो मैम. हाय. हाय कीना, हाउ आर यू? हाय गजेंद्र, व्हाट्स अप? सर आपने मुझे बुलाया? हेलो बूरी, मैंने बुलाया तुम्हें. हाँ तो बको. बूरी, लोगों के सामने अपने लव के साथ ऐसी बातें करते हैं? लाल. हाँ तो भौंको. हाँ, एक तो बेचारे का पजामा नहीं साफ, ऊपर से भौंको. तेरे इश्क में मैं फना ना हो जाऊं, कोई मुझे रोको, सबको हेलो हाय और मुझे सीधे भौंको. वेल सेड. चंदू, तू मेरे इश्क में क्या फना होगा देख लेना, जब मेरी शादी होगी तू वेटर बना होगा. काम धंधा कोई ऐसा करो जिसमें कोई नफा हो. अपने बारे में एक अच्छी अच्छी गाली सोचो और दफा हो. चलो चलो. सर आप ही बताइए ना, नाम तो ढंग का रखा है नहीं चंदू, मैं कैसे इससे रिश्ता जोड़ लूं? हाँ, चंदू नाम बुरा है और भूरी का मतलब इंग्लिश में तो जेनिफर लोपेज़ होता है ना. मैं इस पे ज्यादा विशेष टिप्पणी कैसे करूं, क्योंकि सब सितारे तो चंदू के साथ ही होते. बेटा तुम जाओ इधर, फिल्म सिटी के बाहर से 5 रुपए का जहर खा के मर जाओ. जाओ जाओ, वो तो बेइज्जती तुम्हारी करती, वो तो उनकी तरफ हो गए, क्या कर सकते हैं. समझाओ ना, तुम्हारा ही तो दोस्त है. वो क्या मुझे समझाएगा, उसको तो मैंने समझाया कि भाई शो करो, शो के बिना गुजारा नहीं है, तब जाके शो शुरू हुआ है. बुरी बैठ. गोविंदा सर आपका तो इतना बड़ा सर्कल है, कोई एक दो अच्छी शक्ल वाले दोस्त ही बनवा दो. मेरे दोस्त बड़ा अच्छा है, तो प्रेजेंटेबल नहीं है, ऐसे किसी पार्टी में नहीं ले जा सकते इसको. हॉस्पिटल में किसी का पता लेना हो तो फिर ये मुंह ठीक है. तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, इसका मतलब साफ साफ है कि बंदा तू शरीफ है. सही बोला. ये ऐसे वाले एक्सप्रेशन बड़े अच्छे देता है. अरे कैसे हुआ? ये वाला कभी नहीं एक्सप्रेशन अच्छा आता. अरे कंग्रेचुलेशंस, ये नहीं आता, इसका यही होता. ओहो हो, चलो भगवान सब ठीक करेगा. ये इसके मुंह से बड़ा सूट करते हैं. नहीं नहीं, कपिल की इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. यू आर राइट कपू. और दो अच्छी शक्ल वाली लड़कियां भी चाहिए. सुविंदा सर, मुझे अपनी बात का इतना दुख नहीं लगा जितना मुझे इसकी बात की खुशी हुई है. क्योंकि मैं तो जैसा हूँ वैसे आ जाता हूँ. इसको तो 5 बंदे वाल पुट्टी वाले लगते हैं, शर 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 शर, फिर जाकर ये थोड़ी बहुत दिखने लायक बनती है.
मैम ये ना फालतू बातें कर रहे हैं, अभी एक महीने पहले की बात है, संजय दत्त सर आए थे उस एपिसोड में जो मैंने भीग के डांस किया ना, इस शो का सबसे ज्यादा टीआरपी उसी एपिसोड की आई थी सर। वो ना उसमें ना मैंने शर्ट उतारी थी पहली बार नेशनल टीवी पे, इसलिए उसकी टीआरपी हाईएस्ट आई। इन शर्ट उतारने के बाद तो पूरा ऋतिक रोशन लग रहा था, बाय गॉड। सही बात है सर, पेट तो नहीं गूंदा हुआ आटा लग रहा था। चलो बुरी, अब आटा गूंद लिया तो आओ एक एक पराठा हम प्यार का बना ही लें। देखो पराठे अगर बनाने का इतना शौक है ना, जाके हलवाई को प्रपोज करो। हाँ नहीं तो, और मुझसे अगर शादी करनी तो सबसे पहले मेरे जीजू को मनाओ। जीजू को मनाओ, मोमो जैसा तुम्हारा जीजू है, उसको सॉस दिखाओ उसी टाइम मेल्ट हो जा रहा है। काम बोला भाई, कौन बोला भाई हमको मोमो, कौन बोला मोमो, कौन बोला वो बोला वो बोला, ये चोमो जैसा आदमी हमको मोमो बोला। हाँ दोस्त, अपना जबान को ना लगाम दे दो, वरना तुम्हारे मो मो के धागे हम काट ना दे। मो मो के धागे गाना है। आया बात समझ में कम। अरे अरे मजा आ गया यार, गोविंदा सर यार आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं सर बच्चा यादव सर, हम एक पूरे मोहल्ले के मालिक हैं, ये हमारी साली है भूरी और ये साला है, मतलब हमारा रिश्तेदार नहीं है, बस गाली देने का मन था। बच्चा मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, देखो इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं, देखो तो मेरा और भूरी का रिश्ता कबूल कर लो, नहीं तो मैंने फिर भूरी को। चंदू चंदू चंदू, भूरी के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें इन टुकले पन टुकले कर देंगे, समझ गए ना। आ जाओ फिर, मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी। लड़ना है, आ जाओ फिर, लड़ लेंगे हम, लड़ लेंगे, लेकिन सोच लो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत पसंद करते हैं हम यार, एक गाना हमारा फेवरेट है यार, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू गजेंद्र। हाँ जी। नहीं नाम वैसे सुनो तो यार, आप तो एकदम यंग डायनामिक एकदम डूड टाइप के आदमी है, नाम से लगता है कि गजेंद्र बाहुबली टाइप का आदमी आएगा, कोई तीर कमान लेके तीन तीन तीर साथ में चलाएगा ऐसा हमें लगा, लेकिन आप तो काफी कूल हैं यार। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चा ये क्या बकवास कर रहा है तुम्हारे मेहमानों का? नहीं बकवास नहीं, एक और बात जरा पूछ रहा था सर से। सर एक बात बताइए, कॉन्सर्ट बॉन्सर्ट पे आप जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, सिंगर हैं आप, गजेंद्र नाम है जी, तो ऐसा अजीब नहीं लगता लड़कियां चिल्लाती होगी आई लव यू गजेंद्र? सर इसके बारे में सोचा है मैंने, सोचा था, सोचा था, फिर मैंने कहा कि यार नाम से थोड़ी काम से जाना जाएगा। ये बात तो सही है कि नहीं? और एक्चुअली मेरे पापा के नाम किससे राइम करता है, मेरे पापा का नाम सुरेंद्र है, मेरा नाम गजेंद्र है, तो मैंने कभी चेंज करने की सोची नहीं। अरे नहीं नहीं सर, अच्छा बात है, अच्छा लगता है सर। विल यू मैरी मी गजेंद्र? विल यू मैरी मी भूरी? आई विल किल यू चंदू। गोविंदा सर आपने कुली नंबर 1 में कुली का रोल किया था ना, तो आपको आइडिया होगा ये जो लवारिस लगेज होता है कहाँ छोड़ के आना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, लगेज होगा वो, मुझे अगर कंपेयर करना है तो एयरपोर्ट की ट्रॉली बैग के साथ कर सकते हो। जस्ट सही। ओ पोटली जैसे मुंह वाली ऐसी बातें करती है, आपको पता है जब ये हंसती है ना हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। करवाली बेइज्जती। गोविंदा सर देख लीजिए, इसको कितने लोग कितनी बातें सुनाते हैं, फिर भी इसका हार मांग रहा हूं मैं, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजार? जो खुद सोम से शुक्र मांग मांग के गुजारता हो उसका मैं शुक्रगुजार हूं। शाबाश। थैंक्स कप्पू। बच्चा मान जाओ ना यार, क्या कमाते वहां कितना हो ये तो बताओ। यार मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। लड़के के बारे में तुम इतना कुछ पूछ रहे हो, ये भी तो बताओ ना लड़की क्या करती है। ये अपना नाक में उंगली डाल के सोफा साफ कर देती है। जीजू? क्या जीजू क्या कर रहे हैं? तुम कवर कर रहे हैं, सोफा कहाँ साफ करते हो, तुम तो सिर्फ नाक में उंगली करती हो। गोविंदा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको देखो यार, विरार से शुरू किया और कहाँ एकदम हीरो नंबर 1 बन गए। तुम अपने आप को देखो, कप्पू शर्मा के साथ शुरू किया अभी भी वहीं पड़े हो। क्या हाय कुछ बनाओ यार, वजूद बनाओ यार अपना, कुछ ऐसा गोविंदा जी की तरह करके दिखाओ तो हम माने। पहले तू चुप कर, थप्पड़ मारूंगा।
गोविंदा जी ये किया है इसने, इसके लिए अगर आप इसका मटका फोड़ना चाहें प्लीज गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू। ये किया आपने गोविंदा जी, कुछ डांस वांस करो यार, कुछ अच्छा करके दिखाओ। ठीक है, अगर गोविंदा सर मेरे को सर दो स्टेप अगर सिखा दें आप तो मैं कर सकता हूँ। आ जाओ आ जाओ आओ करो करो भाई करो 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 शादी करनी ना, चलो कर डांस कर, वही सेम कर कर, मैंने पपीता मार के तेरा तरबूज फोड़ देना। उधर ना ना हमको देखना है, दिखाओ दिखाओ ना भाई, ऐसे नहीं दिखाओ दिखाओ। अच्छा, मेरी बात सुनो इधर, क्या क्या बात क्या सुनना है, कोई और कोई चारा है तो वो बता। और कोई चारा नहीं है यार, दिखाओगे तो होगा, नहीं दिखाओगे तो तुम्हें जो सूट करता है ना बेस्ट, वो गेट आउट वाला, वो हो जाओ। ठीक है फिर, अगर डांस के कारण रिश्ता टूटा है तो चंदू भरी महफिल में ये ऐलान करता है कि अब चंदू तभी वापस आएगा जब गोविंदा जी की तरह डांस करेगा। जा रहा हूं मैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.